हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट टू है, उसका चैप्टर फोर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर्स। तो आज हम मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। The multiplexer is a combinational logic circuit designed to switch one of several input lines to a single common output line. So basically multiplexer क्या है? ये एक ऐसा logic circuit बनाया हुआ है जिसमें multiple inputs होते हैं, but output जो होता है वो सिर्फ एक होता है। Many inputs to one output. और इसे डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। और जब हमें मल्टीप्लेक्सर लिखना होता है तो उसे शॉर्ट में MUX यानी कि मग्स लिखते हैं। ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ये है मल्टीप्लेक्सर का एक ब्लॉक डायग्राम, जिसमें यहाँ पे ये जो D0, D1, D2 अप टू Dn-1 ये जो है ये सारे इनपुट्स हैं। और यहाँ पे ये जो है ये है सिलेक्टर लाइंस, और ये Y है, ये है हमारा आउटपुट। अब ये यहाँ पे देखो, एक आउटपुट है और मल्टीपल इनपुट्स है, तो हम कौन सा भी इनपुट यहाँ से चूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। इसीलिए इसे यहाँ पे ये जो है सिलेक्टर लगाया है, तो इसे सिलेक्टर भी कहते हैं, डेटा सिलेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखो, n इनपुट डेटा लाइंस होती है और m कंट्रोल लाइंस होती है, और उसी हिसाब से यहाँ पे y जो है वो आउटपुट लाइन है। तो अब हमें कैसे डिसाइड करना है कि जब इतनी इनपुट लाइंस होंगी तो इतनी कंट्रोल लाइंस होंगी एक्सेट्रा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है 2^m = n, यानी कि 2^m मतलब जो भी कंट्रोल लाइंस होंगी। अब यहाँ पे सपोज 2 कंट्रोल लाइंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2^2 जो कि होता है 4। सो जब कंट्रोल लाइंस 2 है तब इनपुट आएंगे 4, या फिर हमें जब इनपुट दिए होंगे जैसे कि 8 या 16 या 2, 4, जो भी हमें इनपुट्स दिए होंगे उस हिसाब से हम जो हमारी सिलेक्ट लाइन से वो निकाल सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला हमें मल्टीप्लेक्सर में याद रखना होगा। ये इतने टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर होते हैं, जैसे कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1, 16:1, 32:1। जब 2:1 है तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा 2^m = n, उस हिसाब से जब ये यहाँ पे सिलेक्ट लाइन आती है 1, जब 4:1 है तब होता है 2, 8:1 के लिए है 3, 16:1 के लिए है 4, और 32:1 के लिए है 5 सिलेक्ट लाइंस। अब मल्टीप्लेक्सर्स क्यों यूज करना चाहिए या फिर उसके एडवांटेजेस क्या है? सो यहाँ पे रिड्यूस्ड नंबर ऑफ वायर्स मिलते हैं, रिड्यूसेस सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। सर्किट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और कॉस्ट है, वो दोनों चीजें इस मल्टीप्लेक्सर के जरिए हम रिड्यूस कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मक्स इज वेरी इजी। हम जो बड़े सर्किट्स है वो एक छोटे से कॉम्पैक्ट टाइप में मक्स के जरिए बता सकते हैं। ये पूरा था मल्टीप्लेक्सर के बारे में। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, उसमें अब 4:1 है, यानी कि 4 इनपुट और एक आउटपुट है। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 2^m = n, सो m क्या होता है? कंट्रोल लाइंस, और n है इनपुट्स। अगर 4 इनपुट है तो कंट्रोल लाइंस कितनी होंगी? 2^2 यानी कि 2। So, यहाँ पे देखो, 4 इनपुट्स लिए हैं हमने, जो कि है D0, D1, D2, D3, और 2 कंट्रोल लाइंस होंगी A और B।
यह है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम, जिसमें हमने यहाँ पे ये चार इनपुट्स दिए हैं, ये दो कंट्रोल लाइन्स है और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा जो कि होगा वाई। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर हम हमारे जो लॉजिक गेट से उसके जरिए से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो चार एंड गेट्स लिए हैं और एक और गेट लिया है और यहाँ पे ये दो नॉट गेट है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन से हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट बनाया है। यहाँ पे देखो D0, D1, D2, D3 ये चार इनपुट्स है जो कि हर एक गेट को एक इनपुट दिया है। ये A और B हमारी कंट्रोल लाइन है। अब यहाँ पे A और B ये जो हमारे दो पॉइंटर है उसको हमने दो इनपुट्स दिए हैं। अब ये किस लिए? तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो होगी 1 और ये होगा 0। इसी तरह से ये होगा 1 और ये होगा 0। तो यहाँ का जो इनपुट है वो है 1 और यहाँ पे 1 का यहाँ पे नॉट गेट है इसलिए ये हो जाएगा 0। इसी तरह से 1 और 0। अब ये है इसका टेबल। यहाँ पे देखो ए और बी हमने जैसे लॉजिक गेट्स में देखा था 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसे हमने इतने इनपुट्स लिए हैं यहाँ पे और हर एक इसको एक आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट में मिलेगा। तो अब ये देखो हमने पहले ही देखा था सिलेक्ट लाइंस जो है वो क्या काम करती है, इनपुट को आउटपुट में लाने का, यानी कि वो चूज करती है कि इतने मल्टीपल इनपुट्स में से कौन सा इनपुट हमें आउटपुट में दिखेगा। तो अब ये देखो जब हमें D0 चाहिए तब क्या होगा, ये जो है ये 0 को कनेक्टेड है और B है वो भी 0 को कनेक्टेड है। तो जब 0 0 होगा तब हमें D0 मिलेगा। जब 0 1 होगा यानी कि ये है ये 0 और ये है 1, तो जब 0 और 1 होगा तब हमें D1 मिलेगा। इसी तरह से 1 0 को D2 मिलेगा और 1 1 को D3 मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसका हम बूलियन इक्वेशन या फिर बूलियन लॉ कैसे लिखेंगे, तो ये देखो y यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू, अब पहला क्या है 0 0 को हमें D0 मिलेगा, इसीलिए 0 यानी कि a बार होगा, तो a बार इंटू बी बार इंटू D0 प्लस ए बार इंटू बी इंटू D1 प्लस ए बी बार D2 प्लस ए बी D3। इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाया है। यह है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का मेन इक्वेशन। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जहां पे हमने 3:2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखो 2:1 मल्टीप्लेक्सर को दो इनपुट है एक आउटपुट है और जो सिलेक्ट लाइन होगी वो एक होगी, इसीलिए D0 D1 ये फर्स्ट इसके इनपुट है, D2 D3 सेकंड के लिए। सिलेक्ट लाइन दोनों को हमने कॉमन दी है और यहाँ पे दूसरी सिलेक्ट लाइन, सो यहाँ पे हो गए चार इनपुट और ये दो सिलेक्ट लाइंस कंट्रोल लाइंस और यहाँ पे एक आउटपुट। इस तरह से हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके 4:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले 8:1 यानी कि 8 इनपुट लाइंस और एक आउटपुट लाइन। तो 8 इनपुट लाइंस है यहाँ पे जो कि D0 से लेके D7 तक हम डिनोट करेंगे। अब 2:m इज इक्वल टू n यानी कि 2:m इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे। तो 8 आने के लिए हमें 3 कंट्रोल लाइंस लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे है A, B और C, ऐसे 3 कंट्रोल लाइंस। ये है हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम जिसमें A, B, C 3 कंट्रोल लाइंस है, Y है आउटपुट और D0 से लेके D7 तक है इनपुट्स।
अब जैसे हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर को लॉजिक गेट्स से डिनोट किया था, उसी तरह से हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर को भी दिखा सकते हैं, जहां पे हमने 8 एंड गेट्स लगाए हैं और एक और गेट लगाया है S2, S1, S0। ये तीन हमारी कंट्रोल लाइन से, जिसे 0 और 1 दोनों टाइप्स के आउटपुट है। जहां पे नॉट गेट लगाया है वो हमारा 0 है, और जो सिर्फ लाइन है वहां पे है 1 और ये है 0। अब यहाँ पे देखो S2, S1, S0 ये तीन सिलेक्ट लाइन से Y हमारा आउटपुट है। तो अब ये जो हमारा लॉजिक टेबल है, इसके जरिए से हम देखेंगे किस लॉजिक के लिए कौन सा आउटपुट आएगा। जब तीनों लाइंस 0 होंगी तब D0 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो ये एंड गेट है उसके जो ये तीन इनपुट्स है वो हमने 0 को कनेक्ट किए हैं। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी तरह से 0 0 1 के लिए D1 है, तो ये है 0 0 और 1, तो फिर हमें मिलेगा D1। इसी तरह से 0 1 0 के लिए D2, 0 1 1 के लिए D3, 1 0 0 के लिए D4, 1 0 1 के लिए D5, 1 1 0 के लिए D6 और 1 1 1 के लिए हमें D7 आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट ले सकते हैं, और ये इसका डायग्राम है। अब 8:1 मल्टीप्लेक्सर, हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर अगर हमारे पास होंगे तो उसको यूज करके भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमने टोटल 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं, और इस तरह से हमें वो एक दूसरे को लगाने हैं ताकि हमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मिल सके। उसी तरह से हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके भी बना सकते हैं। तो सिर्फ इसमें हमें एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा और दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, और हम इस तरह से 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट ले सकते हैं। अब कुछ आईसीज है जो मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि IC74157। इसके लिए क्वाड 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, मतलब 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर मिलाकर यह आईसी बनी है, और इसको सेम एज इनपुट, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है उसका जो इनपुट है, यहाँ पे देखो ये जो इनपुट है वो इस तरह से होगा। जब सेम एज इनपुट लिखा है तब इस तरह से इनपुट होगा, बट जब इन्वर्टेड इनपुट लिखा है, यानी कि ये जो इनपुट है यहाँ पे नॉट गेट होगा। यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया होगा, तो जो इनपुट है वो इस तरह से होगा। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इनपुट। सो यहाँ पे देखो IC74157 क्वाड 2:1 मल्टीप्लेक्सर सेम एज इनपुट। IC74153 के लिए ड्यूअल 4:1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर को मिला के बनी है, सेम एज इनपुट। IC74152 जो कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर का है, इन्वर्टेड इनपुट यानी कि बबल्ड इनपुट होगा। और IC74150 है 16:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए, जो कि है इन्वर्टेड इनपुट। अभी तक हमने मल्टीप्लेक्सर, उसके टाइप्स और उसका वर्किंग देखा है। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज अपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर। सो क्या होता है डी मल्टीप्लेक्सर? द डी मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू स्विच वन कॉमन इनपुट लाइन टू वन ऑफ सेवरल सेपरेट आउटपुट लाइन्स, वन टू मेनी। यानी कि यहाँ पे एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स थे और एक आउटपुट था। अब यहाँ पे
आउटपुट ज्यादा है यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। और जब भी हमें शॉर्टकट में डीमल्टीप्लेक्सर लिखना हो तो हम लिखते हैं डीमक्स। अब इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम में डी क्या होता है, इनपुट डेटा लाइन, एस आर द कंट्रोल लाइन और वाई जो है वो आउटपुट लाइन्स होती है। अब इस तरह से हम डी मल्टीप्लेक्सर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक हमें इनपुट मिल रहा है, चार आउटपुट्स है और दो सिलेक्ट लाइन्स है। इसका भी हम कितने आउटपुट्स को कितनी सिलेक्ट लाइन से, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने मल्टीप्लेक्सर में यूज किया था। डी मल्टीप्लेक्सर के चार टाइप्स है, 1:2, 1:4, 1:8 और 1:16, सेम एज मल्टीप्लेक्सर, बस अपोजिट हो जाता है। अब 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें डी जो है वो इनपुट होगा, एस सिलेक्ट लाइन होगी और 1:2 है, इसीलिए यहाँ पे Y0 और Y1 दो आउटपुट्स होंगे। 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर की ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे ये एक डी इनपुट है, Y0 और Y1 दो आउटपुट्स है और एस जो है वो सिलेक्ट लाइन है। अब जब डी मल्टीप्लेक्सर को हमें लॉजिक गेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करना होता है तो 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम इस तरह से है, जिसमें हमने दो एंड गेट्स यूज किए हैं और एक नॉट गेट यूज किया है। नॉट गेट इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सिलेक्ट लाइन है तो उसका एक इनपुट 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, जिसमें एस कभी 0 होगा कभी 1 होगा। तो जब एस 0 है तब हमें Y0 आउटपुट मिलेगा और जब 1 है तो हमें Y1 आउटपुट मिलेगा। और इसके इक्वेशंस जो है वो इस तरह से आएंगे, Y0 इज इक्वल टू एस बार डी, क्योंकि एस जो है 0 है इसीलिए हम यहाँ पे एस बार लिखेंगे, और Y1 इज इक्वल टू एस इंटू डी। 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे अब 1:4 है यानी कि 4 आउटपुट्स है, 4 आउटपुट्स के लिए दो सिलेक्ट लाइन्स है। ये है 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर के डायग्राम, जिसमें डी है वो इनपुट है, चार आउटपुट्स है और दो सिलेक्ट लाइन्स है। इसका भी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से होगा, चार आउटपुट है इसलिए चार एंड गेट्स, दो सिलेक्ट लाइन्स जिसको एक 0 है एक 1 है और एक हमारा कॉमन इनपुट जो डी है वो सबको कॉमन रहेगा। अब सिलेक्ट लाइन्स कैसे है, एक S0 है एक S1 है, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से 0 0 0 1 10 और 11, इस तरह से हर एक गेट को एक इनपुट होगा। और सबसे पहले जब 0 0 होंगी दोनों सिलेक्ट लाइंस तब हमें आउटपुट में मिलेगा Y0, उसी तरह से 0 1 के लिए होगा Y1, 10 के लिए Y2 और 11 के लिए Y3। इसी का रिप्रेजेंटेशन हमने इस लॉजिक डायग्राम से किया है। ये है इसके इक्वेशंस, जिसमें Y0 इज इक्वल टू S0 बार S1 इंटू डी। ये देखो S0 बार S1 बार इंटू डी, डी यानी कि ये यहाँ पे जो हमने कॉमन दिया है इसीलिए ये डी। तो इसी तरह से Y आउटपुट जो 0 है उसके लिए S0 बार S1 बार इंटू डी। अब ये 0 1 है यानी कि S1 आएगा और S0 बार आएगा, सो Y1 इज इक्वल टू S0 बार S1 इंटू डी। उसी तरह से Y2 आएगा S0 S1 बार इंटू डी, Y3 आएगा S0 S1 डी। ये है 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर के डायग्राम, इसमें भी सेम है कि एक इनपुट है, आठ आउटपुट्स है और तीन सिलेक्ट लाइन्स है। ये है इसकी लॉजिक डायग्राम, इसमें हमने अब आठ आउटपुट है इसीलिए आठ एंड गेट यूज किए हैं और
तीन सिलेक्ट लाइन्स है जिसको जीरो और वन दोनों ही इनपुट्स दिए हैं, और ये एक डी है जो हमारी कॉमन इनपुट लाइन है। अब कौन से डी मल्टीप्लेक्सर्स के लिए कौन सी आईसी यूज करते हैं? तो यहाँ पे कुछ बेसिक आईसीज है, जैसे कि आईसी 74138 जिसको 3 to 8 लाइन डिकोडर भी कहा जाता है। 3 to 8 यानी कि ये जो 3 नंबर है वो होता है सिलेक्ट लाइंस, और 8 यानी कि आउटपुट। सो 3 to 8 इसी को हम क्या कहते हैं, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। और इसमें इन्वर्टेड इनपुट्स होते हैं, यानी कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि इन्वर्टेड इनपुट क्या होता है, जो इनपुट होता है वो बबल्ड होता है, नॉट गेट लगाया हुआ होता है वहां पे। दूसरी आईसी है आईसी 74155, वो है 2 to 4 लाइन डिकोडर, यानी कि 1:4 मल्टीप्लेक्सर, 2 यानी कि 2 सिलेक्ट लाइंस और 4 आउटपुट्स। 1y इन्वर्टेड इनपुट, 2y सेम एज इनपुट। आईसी 74156 2:4 लाइन डिकोडर, यानी कि ड्यूअल 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर, यानी कि दो यूज किए हैं। फिर से आईसी 74154, यहाँ पे भी 4:16 लाइन डिकोडर, यानी कि 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। ये जो आईसीज है और उसके ये जो ये फंक्शंस है, तो ये आईसीज जो है वो दो चीजों के लिए यूज होती है। यहाँ पे इस तरह से ये डिकोडर बोल के यूज होती है, और इस तरह से ये मल्टीप्लेक्सर बोल के यूज होती है। सो ये जो आईसीज है इसके दो फंक्शंस आते हैं। आईसी 74159 जो है वो 4:16 लाइन डिकोडर के लिए भी यूज होती है, और 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स एंड डी मल्टीप्लेक्सर, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। यूज्ड एज डिकोडर्स इन सिक्योरिटी सिस्टम्स लाइक बैंकिंग सेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डी मक्सेस विद मक्सेस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ माइट ऑकर, क्योंकि हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक ब्लूटूथ यानी कि एक जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे बैंडविड्थ का वेस्टेज भी हो सकता है। डिलेज माइट ऑकर ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल्स, डिले हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या है? तो यूज्ड इन क्लॉक डाटा रिकवरी सॉल्यूशन, नेसेसरी फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यूजेस इन ATM packets broadcasting. The output of arithmetic logic unit is stored in respective registers using demultiplexer. They act as serial to parallel converter. They are also used in wavelength routers. So these are the applications of demultiplexer. तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? तो मल्टीप्लेक्सर को मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। डीमल्टीप्लेक्सर को एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूरे अपोजिट है। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर कहा जाता है, और डीमल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर में पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर में इसका अपोजिट सीरियल टू पैरेलल कन्वर्शन होता है। मल्टीप्लेक्सर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि इट वर्क्स ऑन मेनी टू वन ऑपरेशन प्रिंसिपल। अब ये आपको याद रखने में बहुत इजी है, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स है और एक आउटपुट है, यानी कि मेनी टू वन है। और डी मल्टीप्लेक्सर में 1 to many है, क्योंकि एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स है। अब एडिशनल गेट्स। तो एडिशनल गेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन डिजाइनिंग मल्टीप्लेक्सर्स, यानी कि मल्टीप्लेक्सर्स के लिए एडिशनल गेट्स की जरूरत नहीं होती है, बट डी मल्टीप्लेक्सर में जरूरत होती है। नेक्स्ट है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एज ट्रांसमीटर एंड, बट
In time division multiplexing, demultiplexer is used as receiver end. So ये transmitter end को होता है और demultiplexer receiver end को होता है. Control signals. Multiplexer with the help of control signals select the particular input that has to be transmitted at the output. So multiplexer में क्या होता है कि control signal जो है वो जो many inputs to one output है तो वो जो inputs है उसमें से कोई एक input select करता है that has to be transmitted at output. और demultiplexer utilizes the control signal and allows us to have multiple outputs. उसका opposite. Importance. Multiplexer system increases the efficiency of the communication system by allowing the transmission data such as audio and video transmission. Demultiplexer receives the output signal from the multiplexer and convert them back to the original form at the receiver end. तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर एक साथ लगाए जाते हैं, यानी कि जो भी हमें जो रिक्वायर्ड डेटा होता है, जो पहले कोड डीकोड करना पड़ता है, उस हिसाब से ये लगाए जाते हैं. पहले मल्टीप्लेक्सर होता है जिसमें हम मल्टीपल इनपुट्स देते हैं, उसको वो एक इनपुट एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है. फिर वो एक आउटपुट हम डीमल्टीप्लेक्सर को इनपुट देते हैं और वो उसको मल्टीपल आउटपुट्स में फिर से कन्वर्ट करता है. यानी कि इन दोनों के बीच में पूरी डीकोडिंग कोडिंग की प्रोसेस होती है. सबसे पहले एनकोडर होता क्या है? एनकोडर द सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी कोड टू डेसिमल नंबर. इसमें एक कोडिंग की प्रोसेस होती है. अब सबसे पहले देखो कि सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं. वो इनपुट कैसे देते हैं? तो कुछ नंबर्स के जरिए, अल्फाबेट्स या फिर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं. तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, वो बाइनरी होती है या फिर वो 0101 के फॉर्म में होती है. तो हम जो भी इनपुट उनको दे रहे हैं वो उसको डीकोड करेगा या फिर एनकोड करेगा और फिर से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा जो कि फिर से डीकोड या एनकोड होके आएगा. इस तरह से इसमें कोडिंग डीकोडिंग की प्रोसेस होती है. तो उसका एक पार्ट है एनकोडर. एनकोडर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू डेसिमल नंबर. इट परफॉर्म्स अपोजिट एक्शन टू ऑफ डीकोडर. हैज नंबर ऑफ इनपुट लाइंस ओनली वन ऑफ व्हिच इज एक्टिवेटेड एट अ टाइम. इसका मतलब क्या है कि इसको मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, बट हम अगर एक बटन को प्रेस करेंगे तो सिर्फ उतना ही इनपुट यानी कि उतनी ही इनपुट लाइन एक्टिवेट होती है और हमें आउटपुट मिलता है. एट आउटपुट इट डिस्प्लेस द करस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेटेड इनपुट. ये देखो, ये है ब्लॉक डायग्राम जिसमें ये एक एनकोडर दिया है. यहाँ पे इनपुट्स होते हैं, यहाँ पे आउटपुट्स होते हैं. अगर 2:n इनपुट्स रहे तो n आउटपुट्स होते हैं. अब सपोज n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली है तो 2:2 इनपुट्स होंगे, यानी कि 2:2 कितने 4. तो 4 इनपुट्स जब होंगे तब 2 आउटपुट्स होंगे, इसका ऐसा मतलब है. अब टाइप्स ऑफ एनकोडर. तो पहला है प्रायोरिटी एनकोडर, फिर है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर. ये है 4 टाइप्स ऑफ एनकोडर. इसमें से हम प्रायोरिटी एनकोडर और डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर देखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे हम बीसीडी एनकोडर, यानी कि डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर. बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल. यह है इसकी ब्लॉक डायग्राम जिसमें यहाँ पे अब डेसिमल टू बाइनरी है. तो डेसिमल यानी कि 0 से लेके 9 तक डिजिट्स है, जो कि 0 टू 9 10 इनपुट्स है. और बीसीडी कोड क्या होता है, जो 4 डिजिट्स का होता है. यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखो
चार आउटपुट्स ये है क्योंकि यहाँ पे हमें बीसीडी कोड लेना है A0 से लेके A3 तक। तो ये जो A0 है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और A3 है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब भी आप बीसीडी की ये जो ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं तब आपको MSB और LSB मेंशन करना ही है। अगर नहीं करोगे तो आपकी गलती हो सकती है ट्रुथ टेबल के टाइम या फिर किसी और कैलकुलेशन में। इसीलिए आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आप कौन से साइड को LSB और MSB ले रहे हो। सेट ऑफ 10 स्विचेस कैन बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमने इनपुट के लिए 10 स्विचेस लिए हैं। दिस स्विचेस जनरेट 0 और 1 आउटपुट। अब हम इन स्विचेस को 0 या 1 का इनपुट दे सकते हैं, तो वो 0 और 1 के आउटपुट हमें जनरेट करेंगे। यानी कि इसको जब भी हम ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट मिलेंगे। इस तरह से हम बीसीडी एनकोडर की लॉजिक डायग्राम निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालिए, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे हमें आउटपुट में चार डिजिट्स मिलने वाले हैं, इसीलिए हमने चार और गेट लगाए हैं। अब यहाँ पे है हमारे ये 10 इनपुट्स जो कि 0 से लेके 9 तक है। अब हम जब 0 को प्रेस करेंगे तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस लाइन पे। बट जब भी हम 0 को प्रेस करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, 0000। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है, कोई भी आउटपुट जो है यहाँ पे अटैच है क्या नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 000। ये जो और गेट है वो जिस भी लाइन को कनेक्टेड है सिर्फ उसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो 0 है, जब भी 0 को हम प्रेस करेंगे तब हमें आउटपुट में 000 मिलेगा जो कि 0 का बीसीडी कोड है। उसी तरह से जब हम 1 को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0001। देखो अब ये जो डी है, ये डी इस 1 के लाइन को कनेक्टेड है, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। यानी कि ये आउटपुट हाई होगा और बाकी के तीन आउटपुट जो है वो लो होंगे। देखो 000 और D को मिला है 1। सेम फॉर 2। अब यहाँ पे हमें C जो है वो हाई चाहिए और बाकी तीनों लो चाहिए। देखो C जो है वो 2 के लाइन को कनेक्टेड है, सो यहाँ पे 1 मिला है और बाकी तीन जगह पे 0। उसी तरह से 3 के लिए 0011, यानी कि C और D 3 को कनेक्टेड है। यहाँ पे बी है जो कि कनेक्टेड है, तो बी देखो, बी है 4 को कनेक्टेड और बाकी कोई भी गेट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 के लिए आएगा 0100। 5 के लिए है 0101, यानी कि बी और डी 2 कनेक्टेड है। तो ये बी देखो, ये है 5 को कनेक्टेड और यहाँ पे भी एक कनेक्शन है जो कि डी का है। 6 के लिए है 0110। 6 के लिए ये कनेक्शन है, यानी कि बी है और सी है। देखो बी और सी को हमें 1 मिला है और बाकी दो 0। 7 के लिए है 0111, यानी कि ये बी सी और डी 7 को कनेक्टेड है। देखो बी सी और डी। 8 के लिए सिर्फ ए कनेक्टेड है, तो 8 के लिए सिर्फ ए कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। और 9 के लिए ए और डी कनेक्टेड है, यानी कि ए और डी कनेक्टेड है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मिलेगा 1001। इस तरह से हम बीसीडी एनकोडर को इस लॉजिक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये इसका ट्रुथ टेबल है। आपको ये सभी लिखना है और ये लॉजिक डायग्राम बहुत अच्छे से निकालनी है। आप यहाँ पे ये जो 0 की लाइन है वो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि हमने 0 लगाया क्या, नहीं लगाया क्या, क्योंकि वहां पे हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला ही नहीं है। सो ये नहीं निकाला तो भी चलेगा।
तो सबसे पहले हम एनकोडर क्या होता है वो रिवाइज करेंगे। तो एनकोडर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू डेसिमल नंबर, परफॉर्म्स अपोजिट एक्शन ऑफ डिकोडर, हैज नंबर ऑफ इनपुट लाइंस एंड ओनली वन ऑफ विच इज एक्टिवेटेड एट अ टाइम। एट आउटपुट इट डिस्प्लेज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेटेड इनपुट। और अब बीसीडी एनकोडर क्या है तो मैंने वो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप देख लो। बीसीडी एनकोडर जो है उसमें 10 इनपुट्स होते हैं और 4 आउटपुट्स है जो कि ये डेसिमल है और यहाँ पे हमें बाइनरी कोड मिलता है। अब बीसीडी एनकोडर में क्या था कि हम जिस भी इनपुट को प्रेस करेंगे सिर्फ उसी का हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है, और इसमें क्या है कि हम एक टाइम को सिर्फ एक ही इनपुट को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 नंबर ऑफ स्विचेस है और 0 और 1 आउटपुट मिलता है। अब इसमें जब हम एक स्विच को प्रेस करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर बाय चांस सपोज कर लो कि हमने 1 को और 5 को दोनों को सेम टाइम पे इनपुट दिया है, यानी कि सेम टाइप पे ये स्विच हमने क्लोज किया है, तो अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि 1 का आउटपुट मिला है या 5 का आउटपुट मिला है। तो उसके लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या है। ये जो बीसीडी एनकोडर है इसमें हम एक टाइम को सिर्फ एक ही स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी एनकोडर में हम मल्टीपल स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है प्रायोरिटी एनकोडर जिसमें 0 to 9 मल्टीपल इनपुट है जो कि डेसिमल है और यहाँ पे हम बाइनरी आउटपुट ले रहे हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स आर एक्टिव लो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पीछे वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट लगाए हैं बट उसको हमने नॉट गेट नहीं लगाया है। बट इस डायग्राम में 0 से लेके 9 और ये जो बाइनरी आउटपुट है सबको हमने ये यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है ये है नॉट गेट। तो यहाँ पे सारे जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स है वो एक्टिव लो होते हैं, यानी कि जो भी हमें पहले आउटपुट या इनपुट हम दे रहे थे उसका अपोजिट यहाँ पे होगा सारा। तो यहाँ पे जो आईसी यूज करते हैं वो है 74147 और इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है, यानी कि 0 को सबसे कम प्रायोरिटी होती है और 9 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। सो अगर हमने 0 और 5 को अगर साथ में ऑपरेट किया है तो हमें आउटपुट किसका मिलेगा, 5 का मिलेगा, क्योंकि 5 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो जब भी हम एक्टिव लो, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है एक्टिव लो डेसिमल इनपुट्स और ये है एक्टिव लो बीसीडी आउटपुट्स। यहाँ पे आपको डिजिट्स दिखेंगे जो कि डेसिमल डिजिट्स है। अब यहाँ पे सारा जो है वो एक्टिव लो होता है, यानी कि ये जो डायग्राम है इसमें हमें जो भी इनपुट देना है, यानी कि यहाँ पे हमें हाई की जगह पे लो इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि इनपुट में हमें 0 जब देंगे तब ही हमें आउटपुट मिलेगा और जो भी आउटपुट मिलेगा उसका हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अगर ए में 0 मिला है तो उसका हमें 1 करना पड़ेगा, तब वो हमें हमारा रेगुलर जो बीसीडी कोड है उस तरह से दिखेगा। ये याद रखना है कि इसमें सारी चीजें एक्टिव लो होती है। अब 0 के लिए तो सबसे पहले सारे जो इनपुट्स होते हैं वो हाई रहेंगे यानी कि 1 रहेंगे, तो बीसीडी यानी कि जो हमारा आउटपुट है वहां पे भी सारा 1 1 1 1 आएगा। अब यहाँ पे सारा उल्टा है इसीलिए जब हमारा पहले कैसे रहता था, सारे इनपुट्स 0 रहते थे तो आउटपुट में 0 आता था, यानी कि वो 0 का डेसिमल है, यानी कि वो 0 नंबर है। पर यहाँ पे सारा उल्टा है इसीलिए सारे इनपुट्स जो है वो 1 है और आउटपुट पे में हमें 1 1 1 मिलेगा, यानी कि वो है 0। अब 1 के लिए तो हमें जब 1 चाहिए तो हमें
वन का जो पिन है उसे हमें एक्टिव लो करना पड़ेगा, यानी कि उसे हमें जीरो देना पड़ेगा। उसी टाइम हमें जो हमारा आउटपुट है वहां पे जो डी है यानी कि यहाँ पे जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1110। नॉर्मल बीसीडी में क्या होता है वन के लिए 0001, यहाँ पे उसका अपोजिट है। उसी तरह से अब टू के लिए, तो टू के लिए अब हमें जो टू की पिन है उसे एक्टिव लो यानी कि जीरो देना पड़ेगा और बाकी सारे जैसे है वैसे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे टू का आउटपुट मिलेगा जो कि एक्टिव लो है, यानी कि यहाँ पे 1101 मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो साइन है उसे बोलते हैं डोंट केयर, यानी कि यहाँ पे अगर हमने जीरो भी दिया है तो भी कुछ नहीं होगा और वन दिया है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी एनकोडर में वन की प्रायोरिटी कम है और टू की प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि हमें यहाँ पे हमने अगर जीरो भी दिया है इनपुट में तब भी हमें टू का ही आउटपुट दिखेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से अब वन और टू के लिए कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो थ्री है वहां पे हमने जीरो दिया है क्योंकि हमें थ्री का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे हमें थ्री का आउटपुट मिलेगा। फोर के लिए हमने फोर को जीरो दिया है, फाइव के लिए फाइव को, फिर सिक्स को, सेवन को, एट, नाइन। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सारी कंडीशंस है वो डोंट केयर है, यानी कि जैसे जैसे प्रायोरिटी बढ़ती है, यानी कि अब यहाँ पे हमें नाइन का आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट तो हमें नाइन का ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एक्टिव लो इनपुट दिया है। इस तरह से प्रायोरिटी एनकोडर एक्टिव लो के लिए वर्क करता है। व्हाट इज डिकोडर? अ डिकोडर इज अ सर्किट दैट चेंजेस अ कोड इनटू अ सेट ऑफ सिग्नल्स, यानी कि ये अपोजिट है टू द एनकोडर। यहाँ पे होते हैं एन नंबर ऑफ इनपुट्स और टू रेस टू एन नंबर ऑफ आउटपुट्स। एनकोडर में थे टू रेस टू एन नंबर ऑफ इनपुट्स और n number of outputs, so totally opposite to the encoder. BCD to decimal decoder. अब BCD यानी कि binary coded decimal, तो यहाँ पे होते हैं four number of inputs, A, B, C और D. BCD to decimal. Decimal यानी कि 0 to 9 numbers, यानी कि यहाँ पे है 10 number of outputs. बट पहले मैंने क्या दिखाया था, n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड 2 रेस टू n नंबर ऑफ आउटपुट्स, यानी कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएंगे 2 रेस टू 4 यानी कि 16 नंबर ऑफ आउटपुट्स, बट यहाँ पे हमने 10 ही लिए है, तो वो किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नॉर्मल बीसीडी कोड है, अब 0 टू 9 तक के डिजिट्स हम यूज करके 10, 11, 12, 13 ऐसे बनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 0 टू 9 ही यूज करते हैं। और तब भी जब अगर तुमने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सब का अगर यहाँ पे इनपुट दे भी दिया है बीसीडी कोड, तब भी यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखाता है क्योंकि हमने यहाँ पे 0 टू 9 के ही आउटपुट्स यूज किए हैं, इसीलिए इसे BCD to decimal कहा जाता है। तो अब हम इसका truth table कैसा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो inputs क्या है, 0000। जब चारों ही input 0 है तो Y0 यानी कि जो first output है वो मिलेगा 0। उसी तरह से जब A, B, C 0 है और D 1 है तो Y1 में मिलेगा 1, यानी कि हमारा एक नंबर का जो decimal है उसका हमें आउटपुट मिलेगा क्योंकि ये उसका बाइनरी कोड है। तो यहाँ पे एक तो कौन सा आउटपुट मिल रहा है वो डिनोट करने के लिए यहाँ पे LEDs लगाई होती है, जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उसके हिसाब से वो LED ग्लो हो जाती है। जब जीरो का आउटपुट है तो यहाँ की LED ग्लो होगी, जब वन का है तो वन की ग्लो होगी, इस तरह से टू के लिए 0010 इनपुट देना पड़ेगा, 3 के लिए 0011, 4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101, 6 के लिए 0110,
सेवन के लिए 0111, एट के लिए 1000 और नाइन के लिए देना पड़ेगा 1001। तो ये हमारे सारे बाइनरी कोड्स है जो आपको पता ही है, किस तरह से हम लिखते हैं वो भी आपको पता है, तो आपको याद रखने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। और इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डिकोडर। अब देखो, हमने एनकोडर देखा था और डिकोडर देखा था, तो जब भी कोई सिस्टम में ये दोनों चीजें यूज होती है तो सबसे पहले एनकोडर लगाते हैं, उसको डिकोडर लगाते हैं बाद में, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो एनकोड होता है बाइनरी में, और फिर से जो भी प्रोसेस है वो होती है, और बाइनरी का फिर से डेसिमल में कन्वर्जन होता है और हमें आउटपुट दिखाता है, क्योंकि हम जो भी इनपुट देते हैं वो डेसिमल में होता है, तो उसे उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए सबसे पहले एनकोडर लगाते हैं, फिर उसको डिकोडर लगाते हैं, और इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग की प्रोसेस होती है। अब बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर के लिए एक स्पेशल आईसी है जो कि है IC7445। तो इसमें भी 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और 10 नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी ये आउटपुट्स यूज किए हैं उसको नॉट गेट लगाया है, तो वो किस लिए? तो यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं इस आईसी के वो एक्टिव हाई इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट है वो एक्टिव लो होते हैं। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, जिस तरह से प्रायोरिटी एनकोडर में मैंने बताया था, जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा। पर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारी LEDs ऑन रहेंगी और जिस नंबर का हमें आउटपुट मिल रहा है वो LED ऑफ होंगी, यानी कि हमें अपोजिट मिल रहा है, पहले जो हमें आउटपुट मिल रहा था उसके अपोजिट मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्टिव लो आउटपुट्स है, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखो, एक्टिव हाई इनपुट्स यानी कि जब भी हम 0000 देंगे तो तब हमें आउटपुट में सारे LEDs जो है वो ग्लो रहेंगे, यानी कि जो सारे आउटपुट है वो हाई रहेंगे, बट जिस नंबर का आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि वो LED ऑफ होंगी। तो हमें जब भी जीरो का इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें Y0 जो है वो जीरो मिलेगा। उसी तरह से जब हम 1 का इनपुट दे रहे हैं जो कि है 0001, तो उस टाइम Y1 में हमें 0 मिलेगा और बाकी सारे हाई होंगे। 2 के लिए Y2 में 0 मिलेगा और बाकी सारे 1 रहेंगे। उसी तरह से 3 के लिए Y3 में, 4 का Y4 में, 5 का Y5 में, 6 के लिए Y6, 7 के लिए Y7, 8 के लिए Y8 और 9 के लिए Y9। इस तरह से ये BCD टू डेसिमल डिकोडर का ट्रुथ टेबल है, जिसमें जो आउटपुट है वो एक्टिव लो है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। तो जिस भी नंबर का हम इनपुट दे रहे हैं उस नंबर के आउटपुट में हमें 0 मिलेगा और बाकी सारे 1 रहेंगे। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में यहाँ पे हमने 10 एंड गेट्स यूज किए हैं और 4 नॉट गेट्स, क्योंकि हमारे 4 सिलेक्ट लाइन्स है, तो ABCD ये 4 सिलेक्ट लाइन्स है और ये 10 एंड गेट्स है। अब Y0 के लिए क्या होता है, चारों टर्म्स 0 होती है क्योंकि यहाँ पे हमें 0 का आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, 0000 दे रहे हैं तो सारे इस पे बार आएगा, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, तो यहाँ पे भी 0000 चारों सिलेक्ट लाइन्स में 0 को कनेक्ट किया है। उसी तरह से हम ये सारे कनेक्शंस कर सकते हैं जो पहले इस ट्रुथ टेबल में बताए हैं, उसी तरह से जैसे यहाँ पे ये 0000 है, तो हम सारे एंड फर्स्ट वाले एंड गेट को हम 0 को कनेक्शन करेंगे, सेकंड में 0001 को कनेक्ट करेंगे, थर्ड में 0010 को कनेक्ट करेंगे,
इस तरह से हम ये सारे कनेक्शंस करेंगे और ये हमारा जो है वो बुलियन इक्वेशंस हो जाएंगे और इस तरह से ये हमारी लॉजिक डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।